वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस के स्थापना दिवस को विसर्जन दिवस बताया। उन्होंने कहा कि जिस हाल में कांग्रेस अभी है उसे तो विसर्जन ही उससे लग रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के विदेश जाने पर भी उन्होंने कहा है कि किसानों की लड़ाई बीच में छोड़कर नानी के घर इटली चले गए हैं राहुल। ओबामा और शिवसेना जो कह रहे थे उसको सिद्ध कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना विदेशियों ने की थी, हो सकता है कांग्रेस के तर्पण के लिए राहुल विदेश गए हों। राहुल की उम्र 55 की है लेकिन दिल बचपन का है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो स्थापना दिवस है कि विसर्जन दिवस है। जिस हाल में ये है उससे लग रहा है कि विसर्जन दिवस भी हो सकता है आज, क्योंकि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनको भी रणछोड़दास तो कह नहीं सकते। किसानों की लड़ाई बीच में छोड़ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली चले गए नाना जी के यहाँ। बचपन में हम भी जाते थे लेकिन उम्र 55 की, दिल बचपन का, ये सिद्ध कर दिया ओबामा जी जो कह रहे थे, उद्धव जी ने जो कहा, उनकी बातें सारी की सारी उनने सिद्ध कर दी राहुल बाबा ने। और अभी नाना जी के यहाँ चले गए, इससे आप समझिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक विदेशी ने की थी। विसर्जन है तो हो सकता है तर्पण इटली में होता हो। तो चलिए बीजेपी कांग्रेस से भी इस पर हम रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से धैर्यवर्धन शर्मा जी और रवि सक्सेना जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर। जी धन्यवाद। रवि सक्सेना जी, आपको नहीं लगता गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सही बात कह रहे हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं पूरे देश में किसान सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष को इस मुद्दे को बनाना चाहिए किसानों के साथ खड़े रहकर, और कहीं ना कहीं स्थापना दिवस के मौके पर विदेश चले जाना, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो स्थापना दिवस नहीं मनाया उन्होंने, राहुल गांधी ने, अपने देश में? देखिए, या तो मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जी का जो है मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, या वो लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन है, क्योंकि सोनिया जी की तबीयत अचानक खराब हुई है, वो वहां एडमिट थी और उनको देखने के लिए तत्काल वहां पर उनको जाने की आवश्यकता थी, इसलिए राहुल जी वहां गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो अपने नेताओं के साथ हमेशा ये व्यवहार रहा है, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग, अडवाणी जी जैसे लोग, उनका ये सम्मान नहीं करते, उनको तो इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। इनको ना अपने माँ की परवाह है, ना इनके बाप की परवाह है, ना इनके नेताओं की परवाह है। कम से कम इतनी शर्म तो रखना चाहिए ऐसे नेताओं से। तो मुझे शर्म आती है कई बार उनके बारे में बात करते हुए, मुझे शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या दिमाग से पूरी तरह से दिवालिया हो गई है, क्या इसमें कोई शर्म लिहाज कोई बची है कि नहीं बची है? अपनी माँ के इलाज के लिए अगर बच्चा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? और क्या नहीं कर रहे राहुल जी किसानों के लिए? आज सबसे ज्यादा वही व्यक्ति है जो कि खड़ा हुआ है किसानों के साथ सीना तान के, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका 56 इंच का सीना जो है चिकड़ के 56 सेंटीमीटर का रह गया है। आज किसानों से बात करने में उनको शर्म आ रही है, आज डर के भाग रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका चाल चरित्र चेहरा यही है, यही इनकी असलियत है। ठीक है धैर्यवर्धन जी, आपका क्या कहना है? रवि सक्सेना जी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं को जानकारी नहीं है, वो अपनी माता जी के इलाज के लिए वहां पर गए हुए हैं। देखिए, वो माता जी को देखने गए या नानी को देखने गए हों, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। और 50 साल की उम्र का आदमी बार बार नानी के घर जा रहा है, मचल मचल जाता है इटली जाने के लिए, तो तमाम सवाल खड़े तो होंगे। पर उससे भी आगे की बात है जो रवि सक्सेना जी नकारना चाह रहे हैं। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल के नेतृत्व की जो क्षमता होती है, नेतृत्व की जो सूझबूझ होती है, उसके भरोसे कार्यकर्ता खुद की जिंदगी को दांव पर लगाता है। आज कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो माँ बेटा बेटी इस त्रिकोण के अलावा चौथा कोई चेहरा खोजना नहीं चाहते, न किसी पर कांग्रेस को भरोसा है। और इन तीनों की स्थिति है कि बारंबार प्रयोग करके देख लिया, धमाके फुस निकल रहे हैं बिल्कुल, और पूरा देश इस बात को कहता है कि ऐसा अजीबोगरीब नेतृत्व जिसमें कोई राजनीतिक समझ नहीं है, किन मुद्दों पर ऊर्जा खर्च करनी चाहिए, किन मुद्दों को इग्नोर करना चाहिए, यह समझ भी इनके अंदर नहीं है
कुछ तो भी करने लगते हैं कि देश के लोग इनके प्रति और ज्यादा हिकारत भरी नजर से ने देखने लगते हैं। शर्मा जी लेकिन बात तो ये भी है ना कि राहुल गांधी जी अगर किसी पर्सनल काम से विदेश गए हैं तो बीजेपी को क्या दिक्कत, जाने दीजिए ना। नहीं दिक्कत हमें कब है, हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का जो बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने तो राहुल गांधी जी के बारे में जो आम धारणा है, जो उनके सहयोगी दलों का सोच है, जो देश के एक एक नागरिक की उनके प्रति मानसिकता है, उसको परिलक्षित किया है, उसको अभिव्यक्त किया है कि आखिर लोग इनको मानते नहीं कि ये कुशल नेता है, ये जुझारू प्रभावशाली और मुद्दों की समझ रखने वाले, देश हित के लिए स्वयं के जीवन को दांव लगाने वाला कोई बड़ा नेतृत्व तो है। कांग्रेस के लोग खुद दुखी अंदर से, बाहर से भले ये बचाव करते हो पर इनको मालूम है इसी नौसिखिया नेतृत्व की बदौलत आज कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और बहुत बुरी स्थिति है कांग्रेस की। रवि सक्सेना जी, आपको नहीं लगता, आप चलिए मान के चलते हैं कि सोनिया गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मुलाकात करने के लिए वो गए हुए हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी यहीं रहते, हमारे देश में रहते और किसानों के साथ खड़े रहते तो एक कहीं ना कहीं संदेश भी जाता पूरे देश की जनता को कि माता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी किसानों के साथ खड़े हुए राहुल गांधी। देखिए मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये धैर्यवर्धन और नरोत्तम मिश्रा जी अभी सक्सेना जी जवाब लूंगा मैं, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है इसको लेकर पहले आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी पहले से बना हुआ है, स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी पहले से बना हुआ है, स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, कमलनाथ जी का यही कहना है कि राहुल गांधी जी का पहले से ही कार्यक्रम तय था, स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और राहुल गांधी जी उपस्थित रहे इसकी आवश्यकता नहीं है। रवि सक्सेना जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने जो बताया कि वो क्यों गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बता दीजिए पहली बात। दूसरी बात, ये तो इतने संवेदनशील लोग हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाते हैं, अपनी माता जी को जो है मीडिया के सामने लाके उनकी प्रदर्शनी करते हैं, 2000 रुपए के लिए अपनी 95 साल की माँ को लाइन में लगा देते हैं। इनके लिए तो माँ बाप भाई बहन परिवार ये सब जो है राजनीति का विषय है, इनके लिए जो है ये कोई जो है ना सामाजिक दायित्वों का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये नरोत्तम मिश्रा जो बात करते हैं इनके बारे में भी जरा पता कर लीजिए, इनके तो चर्चे पूरे ग्वालियर में है, पूरे दतिया में है, और इनकी बड़ी बड़ी फोटो निकल चुकी है, इनकी कई मैगजीने निकल चुकी है, वो भी सब इनके दिखवा देना, इतनी बातें कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक है, क्यों गए क्या गए इनका, इनकी जो है वास्तव में इनकी चाल चरित्र चेहरा यही है, जो यही काम करते हैं इसीलिए समझते हैं कि दुनिया के लोग यही काम। ठीक है रवि जी, मेरे पास समय की कमी है इसलिए आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, शर्मा जी आपका